Hello everyone, my name is Yashleen, and today we'll be studying The Tale of Melon City by Vikram Sade. So, this is an ancient tale, and once upon a time, there was a king who was just, placid, and peace loving. ही ऑर्डर्स टू कंस्ट्रक्ट अ ब्यूटिफुल आग अब जो किंग है वो एक सुंदर सा आग बनाने के लिए ऑर्डर करते हैं और वो इसलिए बनाते हैं ताकि जो पब्लिक रोड है उसकी जो लुक है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाए अब जैसे कि हम आगरा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है ताजमहल तो वैसे ये जो किंग थे ये भी चाहते थे कि उनके किंगडम की जो स्पेशलिटी है उस जगह की वो एक आग बन जाए तो जब वो एक सुंदर सा आग कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलते हैं अपने वर्कर्स को तो वो जितने भी लेबरर्स हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं और एक बहुत सुंदर सा आग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है आग वॉज बिल्ड लो अब जब आग कंस्ट्रक्ट हो गया तो जो किंग है को करते हैं, तो उनका जो क्राउन है वो आर्क में जाके स्ट्रक होके नीचे गिर जाता है अब जो किंग है उसे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है की मेरा जो क्राउन है वो नीचे गिर गया बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंटनेस वहाँ पे उनके फेस पे शो होती है और जो किंग है उन्हें बहुत ज्यादा डिसऑनर्ड फील होता है की आ की वजह से मेरा जो क्राउन है वो नीचे गिर गया ना अब जब वो इतना ज़्यादा डिसऑनर्ड फील कर रहे थे तो वो क्या सोचते हैं कि जो जिसने भी ये आग कंस्ट्रक्ट किया है मैं उसको पनिशमेंट दूंगा मैं उसे हैंग कर दूंगा तो वो सबसे पहले किसे टारगेट बनाते हैं द चीफ ऑफ़ बिल्डर्स ही डिसाइड्स टू हैंग द चीफ़ ऑफ़ बिल्डर्स अब जो चीफ ऑफ बिल्डर्स हैं वो कहते हैं कि हमारा फॉल्ट नहीं है इस आग के कंस्ट्रक्शन में किसका फॉल्ट है वो वो लेबरर्स को कह देते हैं कि लेबरर्स की वजह से ये जो आग है ये लो बिल्ड किया गया है एंड आफ्टर दैट द laborers जो है वो कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है जो ब्रिक्स का साइज था वही गलत था उसकी वजह से ये जो आंक है ये बहुत ज्यादा लो कंस्ट्रक्ट हुए अब laborers जो है वो masons के ऊपर ब्लेम कर देते हैं और जो masons है वो आर्किटेक्ट के ऊपर ब्लेम कर देते हैं आफ्टर दैट जो आर्किटेक्ट है वो किस पे ब्लेम करते हैं वो इनडायरेक्टली किंग को ही ब्लेम कर देते हैं जो आर्किटेक्ट है वो किंग को कहते हैं कि हम जब अपना प्लान लेकर आए थे आपके पास तो आपने ही बहुत सारे चेंजेस करे थे इस प्लान में और ये हमारा फॉल्ट नहीं है अब किंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो इनडायरेक्टली मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं अब ये क्या मेरी गलती है कि मेरा क्राउन जो है वो नीचे गिर गया और ये जो आँख है ये बहुत ज़्यादा लो बिल्ट हुआ है सो द किंग ही कॉल ही वॉज़ वेरी कन्फ्यूज एंड ही कॉल्स द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री अब किंग जो है वो कहते हैं कि मुझे इसमें एक हेल्प चाहिए मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ तो कंट्री का जो सबसे ज़्यादा वाइज मैन था वो उन्हें बुलाते अब जो वाइज मैन था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड था उसे चला भी नहीं जा रहा था वो देख भी नहीं पाते अब जब वहाँ पे वाइज मैन को वो लेके आते हैं रॉयल कोर्ट में तो वो जो वाइजेस्ट मैन है वो सारी सिचुएशन देखते हैं सबके व्यू पॉइंट सुनते हैं आग को देखते हैं एंड आफ्टर दैट वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ये आग की गलती है जो रियल कल्प्रेट है वो आग है ना कि कोई और इंसान तो ये अपनी कंक्लूजन uh, देने के बाद वो कहते हैं कि आग को ही हैंग करना चाहिए लेकिन वहाँ पर जो काउंसिलर थे वो कहते हैं कि हम ये बहुत ज्यादा शेमफुल होगा कि अगर हम एक आग को हैंग करें क्योंकि वो आग जो है उसने किंग के की हेड को किंग के की जो क्राउन को टच किया हुआ है इट वुड बी वेरी शेमफुल इफ वी हैंग द आग हिज मैजेस्टी was hanged. अब क्राउड जो था वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता जा रहा था उनको दिख रहा था कि कभी किसी और को ब्लेम कर रहे है कभी किसी और को ब्लेम कर रही है जो रियल कल्परेट है उसे तो वो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे तो जब किंग देखते हैं कि क्राउड बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो चुका है और वो देखते हैं कि नेशन जो है उसे हैंगिंग चाहिए ही चाहिए आज तो जो किंग है वो कहते हैं कि आज किसी ना किसी को तो हैंग होना ही पड़ेगा सो आफ्टर दैट ही सेट्स अप अ नूज अब वो एक नूज सेटअप करते हैं आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब भी हैंगिंग होती है तो एक हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नूज़ लगाते हैं एक रोप एक सर्कल की शेप में होती है वहाँ पे कल्प्रिट को हैंग किया जाता है वैसे ही एक वैसा ही एक हैंगिंग का सेटअप जो है वो वहाँ पे लगाया गया था एंड आफ्टर दैट जो किंग है वो कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सब आके यहाँ वो सब उस नोज़ के ऊपर खड़े होकर अपनी हाइट मैच करेंगे जिसकी भी हाइट मैच करेगी जो भी उस नोज़ तक पहुँच गया उसी को हम हैंग करेंगे तो जब हर जितने भी वहाँ पे लोग थे वो सारे आते हैं मेजर करते हैं लेकिन किसी की भी हाइट जो है वो मैच नहीं करती एंड में किसकी हाइट मैच करती है किंग की सिर्फ किंग ही इतने ज़्यादा टॉल थे कि वो नोज़ तक पहुँच सके सो द किंग द मैजस्टी हिज मैजस्टी हुइज़ हैंड अब किंग जो कि बहुत ज़्यादा अपनी जस्टिस के लिए जाने जाते थे जो कि बहुत ज़्यादा पीस लविंग थे वो अपनी ही जान नहीं बचा सके और उनको ही हैंगिंग हो गई और इसके बाद जो मिनिस्टर्स है वो क्या कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग द मिनिस्टर्स सेड लॉन्ग लिव द किंग द किंग इज डेड अब यहाँ पर कितनी बड़ी आयरनी है कि एक साइड तो मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि लॉन्ग लिव द किंग एंड द सेम टाइम दे आर सेलिब्रेटिंग द किंग इज डेड तो यहाँ पे पता चल रहा कि मिनिस्टर्स जो है वो खुश भी थे और वो यहाँ से हमें उनके किंगडम के किंगडम के बारे में ही पता चल जाता है कि वो अपने ही किंग को हैंग कर देते हैं और उनके मिनिस्टर्स जो है वो इस बात पर खुश होते हैं अब यहाँ पे जब किंग की हैंगिंग हो गई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्योस हो गया कि अब जो नेक्स्ट रूलर है वो किसे बनाया जाए तो वो क्या डिसाइड करते हैं अपने पुराना जो उनका कस्टम था उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि जो भी इंसान सबसे पहले सिटी गेट से क्रॉस करेगा हम उसी से पूछेंगे कि, कि किसको किंग बनाना चाहिए तो जब वो सिटी गेट की तरफ जाते हैं गार्ड्स तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि एक ईडियट जो था ना वो पास कर रहा था तो गार्ड्स उसी से पूछते हैं दैट यू टेल मी हु सपोज टू बी द किंग तो उसी से पूछते हैं कि किंग किसको बनाना चाहिए और जो इडियट uh, है वो क्या रिप्लाई करता है अब मेलन अब उन्हें नहीं पता था गार्ड्स को कि इसका हर इससे जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर मेलन ही देगा लेकिन वो इडियट के लिए जो भी उसके क्वेश्चन आप उससे जो भी पूछोगे ना उसका जवाब वो हमेशा मेलन्स ही देगा क्योंकि उसे वाटर मेलन्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और ये सुनने के बाद जो मिनिस्टर्स है वो एक मेलन को क्राउन कर देते हैं वहाँ पर थ्रोन पे एक मेलन को बिठा दिया जाता है और मेलन किंग बना दिया जाता है हैप्पी किंगडम अब ये सारी चीज़ें जो ये पूरा इंसिडेंट है ना ये बहुत पहले हुआ था अब जो हम बात करेंगे ना ये उनकी प्रेजेंट कंडीशन है कि अब मेलन किंग बनने के बाद उनका जो किंगडम है वो कैसा है तो वहां पे जब भी कोई पूछता था, था कि आपका जो किंग है वो एक मेलन कैसे है तो वो जो वहां के लोग थे उस किंगडम के तो वो कहते थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा जो किंग है वो एक मेलन है अनटिल एंड अनलेस जब तक वो मेलन जो किंग है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता या फिर हमारी फ्रीडम जो है वो हमसे छीनता नहीं है वो कहते हैं कि जब तक यहाँ पर पीस है हमारे किंगडम में जब तक हमें पूरी फ्रीडम है कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा हमारे काम में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारा किंग है वो एक मेलन है या कोई इंसान है एंड uh, तो यहां से मैं पता चलता है कि वहां पे कितना एक प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है ऑफ नॉन इंटरफेरेंस